जो पूर्व एमएलए जो अरवल के चितरंजन जी हैं, उनके जो दो सगे भाई थे छोटे, शंभू और गौतम, की हत्या कर दी गई थी। और इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पता है कि इसके पूर्व भी इनके जो एक चाचा और भतीजा अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा की हत्या, एक की जहानाबाद में और आधे घंटे के बाद मसौढ़ी में हत्या कर दी गई थी 26/4/2022 को। तो इसी को देखते हुए एसएसपी पटना सर के द्वारा नगर और एएसपी मसौढ़ी, थानाध्यक्ष मसौढ़ी, थानाध्यक्ष पत्रकार नगर और हमारी एसआईयू की टीम, इस सब के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था कि जो भी इसमें जो है शूटर हैं, जो साथी अपराधी हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और हम लोग आसूचना संकलन कर रहे थे। और इस क्रम में हमारी कई टीम जो है लगातार सादे लिबास में, जो हम लोग की कुछ गुप्त मतलब एक आसूचना मिली हुई थी कि ये जो शूटर हैं रामकृष्णा नगर के पास कहीं से शरण लेके वहाँ से ही घटना को पत्रकार नगर में अंजाम दिए थे, और उसके बाद वहाँ पर बीच बीच में छुप के रह रहे थे और वहाँ से फिर बाहर भी निकले थे। तो वहाँ भी हमारी टीम थी, कुछ अन्य जगह भी, झारखंड और अन्य जगह भी हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। इसी के तहत एक और 2 तारीख को, 1 और 2 जुलाई की रात को हम लोगों को एक पहले भी एक सूचना मिली हुई थी स्पाई के द्वारा कि इन्हीं शूटरों के द्वारा किसी पूर्व एक विधायक हैं, उनकी बेटी की हत्या करने की भी एक सुपारी ली गई है। तो सीनियर सर के द्वारा एक सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में जो है शूटरों को जल्द से जल्द पकड़ना है और कोई इस संबंध में इनके द्वारा आगे गंभीर घटना घटित न होने पाए। तो उसी के तहत हम लोगों की टीम लगी हुई थी। तो 1 और 2 की रात को जो है करीब 12 बजे के आसपास जो है बोरिंग रोड चौराहे के पास से एक सूचना मिली कि किसी लड़की जो अपने फैमिली के साथ जो है गंगा पथ पे घूमने के लिए गई थी, जो कि उनका एक शर्मा बस चलती है, तो उसका पूरी देखभाल करते हैं, और उन्होंने भी लड़की को कई बार धमकी दी थी ज्ञानेश्वर ने। और ज्ञानेश्वर भी जब ये सुपारी देने आए थे तो उस टीम में जो 3-4 लोग आए थे बेटा में, तो ज्ञानेश्वर भी जो है वहाँ पर साथ में था, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो अभी आज की गिरफ्तारी में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार और उसका भाई राहुल कुमार और सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपरा के, उनकी गिरफ्तारी की गई है, और उनके खास सहयोगी ज्ञानेश्वर शर्मा, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और बरामदगी में आज टोटल जो रहा, देसी पिस्टल, एक देसी पिस्टल था, 2 कट्टा था और एक मैगजीन, और कुल 7-9 कारतूस बरामद किए गए थे जिंदा, और एक जो बाइक है जो भागते समय जब्त की गई थी, जो पकड़ी गई थी बिना नंबर प्लेट की, होंडा ब्लेड बाइक हुई थी। और घटना के समय खास करके जो यहाँ अभी पोशाक रखे थे, आप लोगों को पता होगा कि जो वहाँ का फुटेज एक वायरल हुआ था पत्रकार नगर थाना अंतर्गत, जो डबल मर्डर हुआ था, कि ये लोग कैमोफ्लेज कपड़े पहने हुए जो है आए हुए थे, तो वो कपड़े भी जो है रामकृष्णा नगर में जहाँ पर इन लोगों को छिपने का ठिकाना था वहाँ से बरामद इनके द्वारा करवाया गया, जाके वो कपड़े भी बरामद हुए। साथ ही जो बेटा, और वहाँ नौबतपुर में भी इन लोगों ने हत्याएं की थी, जो फुटेज में जो कपड़े इनके देखे गए थे वो कपड़े भी इन्होंने बरामद करवा दिए हैं, और जूते और हेलमेट जो भी हम लोग फुटेज में था वो सब हूबहू 100% सब बरामद करा दिया गया। इस प्रकार ये छोटे सरकार की गिरफ्तारी से इधर लगातार 2 महीने में जो 5-7 हत्याएं हुई थी, इसने बताया कि कुछ शूटरों को जो है चितरंजन के गुट ने बुला के जो है इन लोगों को हमला करने के लिए झारखंड से बुलाया हुआ था। तो इन्होंने फिर अपना अभिराम शर्मा, जिसमें इनका कहना है कि उन्होंने भी इसमें फंडिंग की थी, अभिराम शर्मा और दिनेश शर्मा की हत्या 26/4/2022 को करते हैं लगातार आधे घंटे के अंतराल में, और उसके बाद फिर 26/5/2022 को जो उस केस में नामजद अभियुक्त एक सुधीर कुमार थे, जो संजय सिंह के बहुत करीबी और ख़ास थे, तो उनकी हत्या छोटे सरकार के द्वारा बताया गया कि चितरंजन और उनके गुट ने जो है पीट पीट कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी, और जिसका केस तारिगना जीआरपी के तहत दर्ज है। और उस इसने बताया कि उसके बाद इन लोगों ने प्रण लिया और कि सुधीर के 10वां से पहले, जो इसका 10वां होता है, 10वां के पहले हम लोगों को इसमें बदला लेना है। फिर उन्होंने अपना पूरी प्लानिंग की और रेकी की कि इसमें शंभू और उसके जो छोटे भाई गौतम हैं, ये लोग यहाँ पर पत्रकार नगर में जो इनका ऑफिस था वहाँ पे इन्होंने रेकी किया, उसके बाद वहाँ पे पीछा किया, और जिसमें मेन शूटर इसमें था छोटे सरकार और उसका एक और साथी शूटर था, और इसके भाई भी इसमें मोस्टली घटना में इन्होंने लाइनिंग किया है। तो इसकी शाम को करीब इसने बताया कि 3 बजे के आसपास उन्होंने रेकी की, फिर जैसे वो लोग ऑफिस से निकले
इन लोगों ने पीछा करते हुए और पत्रकार नगर में काली मंदिर रोड के पास में जो है उनकी जो है एक जघन्य हत्या, जो कहते हैं कि पब्लिक में एकदम दहशत फैलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि कैसे जो है आपस में गुटबाजी में जो है कि सामने वाले गुट को जो है भयाक्रांत करने के लिए ये अक्सर छोटे सरकार ने जितनी भी हत्याएं की हैं वो जो है पब्लिकली हत्याएं की हैं और जघन्य रूप से कई गोलियां मारकर इंश्योर किया है कि सामने वाला किसी भी हालत में बचे नहीं और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ पर बाइक सवार कुछ अपराधियों ने हमला करने की कोशिश की, तो फिर ये मैसेज वायरल किया गया तो सभी थाना अपना रोड चेकिंग में लग गए और इसके बाद बाईपास थाना बाईपास के पास में जो है पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो है चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो लड़के तेज़ी से आते हुए दिखे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनको देख के वो त्वरित रूप से वहाँ से वापस होने की कोशिश किए जिससे कि उनकी बाइक गिर गई और वहाँ से दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो पूछताछ में पता चला कि एक अभिषेक उर्व छोटे सरकार और दूसरा उसका भाई राहुल कुमार हैं और उनके पास से उनके कमर में पहुँचे हुए दो देसी पिस्टल और उसके बाद 7 राउंड गोलियां उनके पास से बरामद हुई। उसके बाद फिर उनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में उन्होंने सारी घटनाओं का एक विस्तृत रूप से जो है हम लोगों को जानकारी दी और कई नई जानकारी इसमें हम लोगों को पता चली जो आप लोगों को पहले से भी पता है कि ये पांडव गिरोह का जो पहले इसमें पत्रकार नगर में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें एक बबलू की गिरफ्तारी जो हुई थी नीमा से, तो उसने पहले भी बताया था कि जो पिछली बार सीनियर सर ने आप लोगों को जो है ब्रीफ भी किया था कि कैसे जो है पांडव गिरोह का आपस में एक अदावत चल रही है और एक तरफ पूर्व विधायक MLA जो अरवल के हैं चित्रंजन जी और दूसरी तरफ संजय सिंह जी, इन दोनों में आपस में जो है कि एक अदावत पुरानी चल रही है और इसी के तहत ये लोग आपस में हत्याएं एक दूसरे के करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि जब ये पत्रकार नगर में डबल मर्डर हुआ तो जब इससे पूछताछ हुई अभिषेक उर्व छोटे सरकार से तो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये घटनाएं हुई। तो इसके पहले इन्होंने बताया कि जब 2026 और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि सारी घटनाएं इसमें मोस्टली जितनी घटनाएं हुई हैं और सारी जघन्य घटनाएं हैं और इसमें जो है 26 तारीख एक विशेष तारीख है जिसमें ये लोग अक्सर प्रयोग किए हैं और ख़ास करके 26/4/2020 को संजय सिंह और छोटे सरकार यानी अभिषेक के ऊपर नदवा बाज़ार में जो है चित्रंजन गुट के द्वारा जो है कई लड़कों को भेजकर इनके ऊपर हमला किया गया था जानलेवा, जिसमें ये लोग बच गए थे। इसको भाई कुछ इनको पहले टोकन मनी के रूप में मिला हुआ था कितना और इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है और वो अभी जांच उसकी चल रही है और कुछ पैसे इनको हत्या के बाद मिले थे। ये सुपारी लाल किला को सुपारी ये कुछ दिन पहले ही दिया था लेकिन अभी डबल मर्डर से पहले या डबल मर्डर के बाद नहीं उसके पहले ही दिया हुआ था उसके पहले दिया हुआ था और लेकिन इन लोगों को समय नहीं मिल रहा था क्योंकि उस अदावत में ये लोग बिजी थे। इसी बीच जो है लाल किला का जो लड़का था उसने जो है फिर इनसे तगादा किया कि आप ये हत्या कब करेंगे जो आपने सुपारी लिया है, तो उसी के क्रम में जो है कि ये लोग फिर यहाँ पर आए हुए थे और इसी में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लाल किला किसी अपराधी का नाम, इनके ऊपर कई कांड दर्ज हैं जो बेटा थाना क्षेत्र के हैं। लाल किला जी का और अभी आपने पूछा कि कितनी हत्याएं और कितने कांड दर्ज हैं, तो अभिषेक सिंह और छोटे सरकार ने पिछले 2 महीने में ही लगभग 7 हत्याएं किए थे और टोटल इस पे 13 कांड दर्ज हैं जो सभी गंभीर प्रकृति के कांड हैं। और उसका भाई जो राहुल कुमार है उसका आपराधिक इतिहास में देखें तो उसके ऊपर 5 कांड दर्ज हैं, पहले भी वो जेल जा चुका है। और सुरेंद्र शर्मा जो पूर्व विधायक हैं छपरा के, इनके ऊपर सारण में ही एक मर्डर का कांड दर्ज है और भी कुछ कांड दर्ज होने की सूचना है लेकिन उसकी जानकारी अभी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और उसके साथ जो गिरफ्तार चौथा अभियुक्त है ज्ञानेश्वर शर्मा, वो भी इसके ऊपर भी छपरा में जो दिघवाड़ा थाना अंतर्गत जो है कांड इसके ऊपर दर्ज है हत्या के, और भी कई कांड दर्ज हैं। तो इस तरीके से ये सभी एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई के बाद जो है ये वहाँ पर कई और गुट हैं जो आप लोगों को पता होगा, तो उनकी आपस में दुश्मनी की वजह से फिर ये संजय सिंह का करीबी बना, संजय सिंह ने इसे पनाह दी और उसी के बाद से ये संजय सिंह के मुख्य शूटर के रूप में काम करता रहा और साथ ही इसी ने जो है कई अन्य जगह से जो है यूपी ये बिहार में कई अन्य जिलों के साथ साथ झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी कई शूटरों को इसने लिया था और इसके जो छुपने के ठिकाने भी थे झारखंड वेस्ट बंगाल
और नेपाल में कई जगह ये छिपा था, दोनों घटनाओं के बीच में जो भी समय था। देखिए एमएलसी के बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, संजय सिंह के ये जो है खास शूटर हैं और जो चितरंजन पूर्व विधायक अरवल के हैं उनके एक गिरोह का आपस में जो लड़ाई थी उसी में जो है एक दूसरे की हत्याएं ये लगातार कर रहे थे।